नहीं लिया था, क्योंकि हम तो असली वाली वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो परिभाषा आपने दी है सरकार, आप उसको लागू करो। लेकिन इसी ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को हुक्म दिया है कि आप अपने जो ऑर्डर दिए हैं कि 5 साल के बाद आप इक्वलाइज करोगे, तो वो 1 जुलाई 2019 बनती है। पहले तो बताओ कि आपने क्यों लागू नहीं किया, और अभी आप 3 महीने के अंदर अंदर आप 1 जुलाई 2019 से अभी तक के एरियर्स पे करेंगे। ये सरकार का, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। साथियों, हम डेमोक्रेटिक भारत में रहते हैं और हम सब अपने सुप्रीम कोर्ट, अपनी जुडिशरी जो एक डेमोक्रेसी का पिलर है, उसकी जजमेंट को एक्सेप्ट करते हुए हम उससे एग्री नहीं करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तो हम उस जजमेंट को तो पढ़ रहे हैं, हमने वो ऑर्डर ले लिया, लेकिन हम उस ऑर्डर से एग्रीमेंट नहीं है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने छानबीन करी कि आगे हमारे पास क्या क्या और लीगल ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो साथियों, देश के बहुत जो नामी वकीलों से बातचीत करने के बाद हमें ये एडवाइस मिली कि हमें रिव्यू पिटीशन जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा जजमेंट के साथ आगे हम उनको ये बताएं, लेकिन रिव्यू पिटीशन तब डालें जब हमारे पास कोई और अच्छी एविडेंस है। तो साथियों, हमें 2 ऐसे एविडेंस मिली जो ठोस थी और जो पहले उसके ऊपर कुछ हालत में हमने बताई, लेकिन उन्होंने ग्राउंड पे नहीं उसके ऊपर तजब्बो दी, तवज्जो दी। तो साथियों, हमने वो बताया, मैंने आगे भी यहां बताया था जब हमारे 2550 दिन हुए थे, हमने बताया कि एक तो पॉइंट था कि 2013 में 17 जनवरी 2013 में क्योंकि हमारा मुहिम चल रहा था तो सरकार ने वन रैंक वन पेंशन नामंजूर करते हुए एक चीज कर दी कि जवान और जेसीओ साहबान की पेंशन 2006 से वो मैक्सिमम ऑफ द रैंक एंड मैक्सिमम ऑफ दैट रैंक और उसका जो है ग्रुप उसके मुताबिक दी जाए। कहने का मतलब वो नहीं कि जो पेंशन बीच में रख दी जाएगी, जो हाईएस्ट ऑफ द स्केल वो पेंशन देगी। और 2013 जनवरी से 2006 से उन्होंने वो देना शुरू कर दिया, लेकिन जब इन्होंने 2014 में वन रैंक वन पेंशन दिया तो उस वक्त इन्होंने दे दिया एवरेज ऑफ या मीन ऑफ हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। इसका ग्राउंड पे मीनिंग क्या हुआ, पेंशन कम कर दिया, जो कि सरकार नहीं कर सकती। तो हमने ये एक रिव्यू पिटीशन में डाला था। दूसरा पॉइंट था, हमें ये पता लगा कि इस पूरी जुडिशरी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारी फौज की वन रैंक वन पेंशन की रीजन देते हुए अपनी पूरी जुडिशरी को वन रैंक वन पेंशन दे दिया, जो अनइक्वल है। एक जज जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया, कोई 51 साल का, कोई 50 साल का, कोई 55 साल का लगा, लेकिन उन सबको पेंशन एक जैसी मिल रही है, आज वाली पेंशन।
हाई कोर्ट वाले को वही पेंशन मिल रही, सुप्रीम कोर्ट को आज वाली पेंशन दे रही है। आर्मी की मिलिट्री की वन रैंक वन पेंशन को कोट किया, हमें वो जजमेंट मिल गई। और साथियों आपको हैरानगी होगी, हैरानगी नहीं एक सोच रखना है कि ये जो जजमेंट है, जो जजेस की जजमेंट, ये किसने, इसका मेन जज कौन था जो आज का चीफ जस्टिस है, जो आज के चीफ जस्टिस साहब है वो इसके इस जजमेंट को देने के लिए थे। तो भाई उन्होंने अपने आप को तो दे दी, जो अनइक्वल है हमारी ओरों भी कोट करके, और हमें जब हम इक्वल को मांग रहे हैं, सेम सर्विस सेम इयर्स ऑफ सर्विस सेम रैंक, तो हमें क्यों नहीं दे रहे। ये दो मेन एक्स्ट्रा एविडेंस हमने लगाकर ये रिव्यू पिटीशन में डाली। साथियों रिव्यू पिटीशन आमतौर पर पहले ही वो खत्म कर देते हैं, लेकिन हमारी रिव्यू पिटीशन को उन्होंने